नाम से कहा जाता है। संगीतम नाम से जानना, नाम से जानना। देह यदि शरीर, देह यदि शरीर, संबंधतः पूरी तरह से मैम तत्कृत्वा क्या होता है? तत्कृत्वा का क्या मतलब है? उससे यानी शरीर के द्वारा हम जब योगा करते हैं तो उससे करने से क्या होता है, सुख दे हम यानी हमारा शरीर को सुख मिलता है। देह यानी शरीर को सुख हम यानी सुख विमृत नियत यानी होता है मालिश करना। ठीक है, तो विमृत नियत यदि होता है मालिश करना। यदि मालिश करनी चाहिए अब देखो शरीरार्थ जलनम यानी शारीरिक परिश्रम से, शारीरिक परिश्रम से कर्मम यानी कर्म शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर व्यायाम से कर्तव्यम यानी क्या कहा जाता है, यानी शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है उसे क्या कहा गया है, व्यायाम कहा गया है। ये अगर व्यायाम की डेफिनेशन अगर आपको पूछे कि व्यायाम किम कथ्यते, व्यायाम किसे कहा गया है, तो शरीर शरीराया जननम कर्मम व्यायाम संगीतम यानी शरीर के द्वारा उत्पन्न कर्म है यानी शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को ही क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा को सुखम देहम विमृत नियत संबंधतः है यानी तत्कृत्वा, तत्कृत्वा यानी उसे करके, उसे तत् यानी होता है तत् प्लस कृत्वा। ठीक है, तत् यानी होता है उसे और कृत्वा यानी होता है करके यानी उसे करके। ठीक है, तत् यानी उसे, कृत्वा यानी करके, तो तत्कृत्व यानी उसे करके। तो यानी तो सुखम यानी सुख देहम यानी उसे करके, तो यानी उसे यानी व्यायाम को, उसे किसके लिए आया है, व्यायाम को करके तो सुखम यानी सुख प्राप्त होता है। विमृत नियत संबंधतः है और शरीर की पूरी तरह से क्या करनी चाहिए, विमृत नियत मालिश करनी चाहिए और शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। समझ में आया क्या फर्स्ट श्लोक? यस मैम। देखो एक बार फिर से देखिएगा, शरीराय जननम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा को सुखम देहम विमृत नियत संबंधतः है। शरीराय जननम यानी शरीर से उत्पन्न कर्म, कर्मम यानी तत् शरीर से किए गए कर्म यानी शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम संगीतम व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा और उस व्यायाम को करके, उसे करके, तू यानी तो उसे करके तो सुखम यानी सुख उत्पन्न होता है यानी व्यायाम को करने से क्या प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है और देह
शरीर के अंगों का शारीरिक सौंदर्य। तो देखो शरीरोपचय यानी शरीर को स्वच्छ कांति का प्राणायाम यानी शरीर को स्वच्छ करने से कांति का प्राणायाम यानी शरीर में वृद्धि सूर्य भक्तया यानी देह में बदलाव व्यायाम शरीरोपचय कांति का प्राणायाम सूर्य भक्ते शरीर को स्वच्छ एवं मालिश करने से शरीर में कात्रणाम यानी शरीर में सुविभक्ता यानी वृद्धि दीप्ता अग्निकर यानी चमक अनालस्य में यानी शरीर को स्वच्छ करने से शरीर में वृद्धि चमक शारीरिक सौंदर्य भूख लगना स्फूर्ति स्थिरता तथा हल्कापन आदि आता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा शरीर स्वच्छ रखना चाहिए एवं नियमित व्यायाम और मालिश आदि करना चाहिए यानी शरीरोपचय यानी शरीर में शरीर को स्वच्छ करने से कांति यानी चमक गात्राणाम यानी शरीर के सुविभक्ताम सुविभक्ताम यानी शारीरिक सौंदर्य दीप्ता अग्नि या दीप्ता अग्नि यानी इसमें चमक जठरा अग्नि यानी भूख आदि आदि लगना एनालस्य यानी स्फूर्ति आना स्थिरत्वम यानी हल्कापन आदि आता है स्थिरता लाघवम ऋजा और इसमें क्या आता है लाघवम यानी हल्कापन आदि आता है। इसलिए लाघवम ऋजा ऋजा यानी इसे शारीरिक शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और इसकी मालिश करनी चाहिए। एक बार फिर से देखिएगा शरीर के सौंदर्य शरीर को स्वच्छ करने से शरीर में यानी शरीर को स्वच्छ करने से शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं शरीर में क्या होती है कांति चमक आती है और क्या आती है शरीर में वृद्धि होती है शरीर अब आलस्य से रहित होता है अर्थात शरीर में स्फूर्ति आती है स्थिरता आती है भूख लगती है
यस मैम। ओके, एक बार फिर से देखो, यानी शरीर को स्वच्छ करने से शरीर में वृद्धि, चमक, शारीरिक सौंदर्य, भूख लगना, स्फूर्ति तथा हल्कापन आदि आता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा शरीर स्वच्छ रखना चाहिए एवं नियमित रूप से व्यायाम या मालिश करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, यस मैम। निरोगता उत्पन्न होती है। देखो, श्रम कलम पिपासा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता आरोग्य चैते परम व्यायाम जायते। व्यायाम यानी व्यायाम से श्रम कलम है यानी थकान, पिपासा यानी प्यास, उष्ण यानी गर्मी, शीत आदि यानी सर्दी आदि, सहिष्णुता यानी सर्दी आदि की सहिष्णुता यानी सहनशीलता और आरोग्य यानी परम आरोग्यता की भी चैती भी उत्पन्न होती है। यानी व्यायाम से थकान
गर्मी और सर्दी आदि में सहन करने की क्षमता और अनेक रोगों को यानी आरोग्य का भी मतलब शरीर है वो निरोगी होता है यानी रोगों को दूर करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है। इसलिए नियमित रूप से क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यायाम नित्य मर्द तयो बना और इसमें क्या कहा गया है
हैं, इनको पढ़िएगा, रीडिंग लगाइएगा, जो बात नहीं समझ में आई है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।